नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल रिस्टॉक पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी सरकार में हुई सभी योजनाओं के बारे में और इनको ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा मैं ताकि आप कभी भी ये योजनाएं भूले नहीं, क्योंकि परीक्षा में अक्सर इन योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहली योजना है दोस्तों आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन। दोस्तों ये जो योजना है ये गरीब परिवारों के कल्याण पर केंद्रित है और उन्हें चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। याद आप ऐसे रख सकते हैं कि प्राचीन टाइम पे जब हम आशीर्वाद देते थे या आज भी आशीर्वाद देते हैं तो हम क्या कहते थे, आयुष्मान भव। तो आयुष्मान भव किस लिए कहा जाता था कि आपका कल्याण हो, आपकी उम्र लंबी हो। तो आपकी उम्र कब लंबी होगी, जब आपकी चिकित्सा अच्छी होगी। और ये आयुष्मान किस लिए किया जाता है, कल्याण के लिए, तो गरीबों के कल्याण पर केंद्रित है। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सोलर चरखा मिशन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 27 जून 2018 को सोलर चरखा मिशन शुरू किया जिसमें सरकार हजारों कारीगरों को 550 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी। अब दोस्तों एक तो डेट आपको याद रखनी है, इसके बाद सोलर चरखा मिशन को आप कैसे याद रख सकते हैं, चरखा कौन चलाता है दोस्तों, जो कारीगर होते हैं। तो इससे आप याद रखोगे कि इस योजना में हजारों कारीगरों को 550 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करना ही सोलर चरखा मिशन की शुरुआत है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी कि पोषण अभियान। इस पोषण अभियान योजना में 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के झुंझुनू जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना के विस्तार के रूप में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत हुई। दोस्तों पोषण में ये बात थी कि इस योजना में जितनी भी जो बच्चियाँ हैं, जो छोटी बच्ची हैं, जो किशोरावस्था की लड़कियाँ हैं या जो भी गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको समय समय पर उचित पोषण तत्व उपलब्ध कराना, मतलब कोई भी कुपोषित ना हो, सभी को उचित पोषक तत्व मिलना। तो पोषण से आप लिंक कर सकते हो कि पोषण तो आप समझते ही हो कि लालन पोषण करना, खिलाना पिलाना, तो इस चीज़ से आप इसे लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका समग्र शिक्षा योजना। भारत में विद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के संदर्भ में 24 मई 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि HRD द्वारा समग्र शिक्षा योजना शुरू की गई। अब इस योजना में क्या है, यह एक अतिव्यापी कार्यक्रम है जो डिजिटल प्रौद्योगिकी को शामिल करेगा और विद्यालय शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास करेगा। अब दोस्तों इसको कैसे लिंक करना है, देखो इसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी विषय का शामिल करना मतलब कि आप जो एजुकेशन का जो लेवल है वो उसको क्या कर रहे हो, सुधार कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा दे रहे हो। तो समग्र शिक्षा को आप इससे लिंक कर सकते हो। आगे है आपका पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम। भारत सरकार ने 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया स्कूल गेम यानी KISCSG के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम ने भारत की युवा खेल प्रतिभा और खेल में उनकी क्षमता पर प्रकाश डाला है। तो अब इसको खेलने से तो आप लिंक कर ही सकते हो कि जो भी युवा हैं आजकल के, उनमें खेल प्रतिभा जागृत करना ताकि हमारा जो देश है वो खेल में भी आगे बढ़ सके। तो इसको आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया, इसको ये तो डायरेक्टली चीज़ हो गई कि इंडिया में आके बनाओ। तो मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य कंपनियों को केवल देश में अपने उत्पादों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, यानी कि हम अपने ही देश में उत्पाद बनाएं ताकि हमें वो चीज़ कम लागत की पड़े। यह भारतीय बाजार में अधिक विदेशी निवेश भी लेना चाहता है। 25 सितंबर 2014 को इस योजना की क्या हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। तो डेट भी आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या है, भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2014 को इस स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई। इसका प्राथमिक लक्ष्य 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए समय पर टीका लगवाने जैसे जितनी भी बीमारियां हैं तो इन सभी बीमारियों से रोका जाना है। तो इंद्रधनुष देखो, अब मैं इसको आपको कैसे लिंक करोगे, इंद्रधनुष कैसा होता है, बारिश के बाद एक बहुत ही अच्छी जो तस्वीर आती है जो हमें एक अच्छा चीज़ लगती है, रैम्बो। तो इसी तरह ये जो टीके हैं, टीका लगने के बाद जो आपकी स्वास्थ्य में जो सुधार होगा, ये इंद्रधनुष का, मिशन इंद्रधनुष का मकसद है कि आप जो आजकल, पहले क्या होता था कि जो गर्भवती महिलाएं थी उन्हें इतनी बीमारियों का पता नहीं था, टीके नहीं लगवाती थी। तो आज के टाइम पर जितनी भी ये बीमारियाँ हैं, खसरा, तपेदिक, टेटनस, खांसी, तो इन सभी के टीके लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 15 जनवरी 2015 को
बाल यौन अनुपात के मुद्दे से निपटने के लिए शुरू किया गया। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार बाल लिंग अनुपात 1000 लड़कों के अनुपात में 918 लड़कियों का आंकड़ा पाया गया। तो इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया ताकि ये जो अनुपात है, यौन अनुपात है, ये मतलब अच्छे से इसमें सुधार आ सके। नेक्स्ट है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस के रूप में 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया। यह योजना गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। तो इस योजना का मकसद क्या है, जो भी हमारे जो गांव है उनका विकास करना, क्योंकि जब गांवों का विकास होगा तभी देश का भी विकास होगा। तो इसलिए इसे आदर्श ग्राम योजना भी कहते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।